नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस चैनल में। दोस्तों, पाकिस्तान की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है और ख़ास करके बलूचों ने और बलूच लिबरेशन आर्मी ने इनके लगातार कई सैनिकों को निशाना बनाया। एक्चुअली पाकिस्तान में दो तरीके से ये परेशान है। पहला तो जो आपकी आप ये समझ सकते हैं कि बलूच लिबरेशन आर्मी, और दूसरा है यहाँ पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP। इन दोनों ने इस पाकिस्तान को अंदर से झकझोर के रख दिया है। ऐसे में जो 100 सैनिक मारे गए थे पाकिस्तानी सेना के, उन्हें निशाना बनाया था बलूच लिबरेशन आर्मी ने, लेकिन अब जो 5 जवान मारे हैं पाकिस्तानी फौज के, वो TTP ने मारे हैं। और कहा जा रहा है कि लगातार इन पर गोलियां बरसाई गई और इन्हें मौके पर ही खत्म कर दिया गया। दरअसल पाकिस्तान ने यह कहा है कि वो अब अफगान की जमीन का इस्तेमाल आतंकी हमले के लिए नहीं करने देगा। वहीं पाकिस्तानी सेना के प्रोपोगेंडा विंग ISI ने ये बात कही है कि आतंकियों ने अफगान की धरती से पाकिस्तानी सैनिकों पर गोली चलाई, और खुफिया रिपोर्ट जो उनके सामने आई थी उसमें कहा गया कि पाकिस्तानी सैनिकों की गोलीबारी में आतंकियों को भी नुकसान पहुंचा है। इस गोलीबारी के दौरान हालांकि उनके भी 5 जवान मारे गए, यानी कि पाकिस्तान ने यह बात एक्सेप्ट कर ली है कि उनके 5 जवान मारे गए हैं। दरअसल लंबे समय से तारीख के तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP लगातार पाकिस्तानी जो सेना है उसको निशाना बनाते आई है। हालांकि ये जो TTP है वो अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर एक्टिव है, और इसे एक आतंकी संगठन घोषित पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। और आपको मैं बताना चाहूँगा, करीबन एक दशक से अधिक का समय हो चुका है और इन्होंने पाकिस्तानी सेना पर कई हमले किए हैं। इनमें हजारों लोगों की भी मौत हुई है, और अफगानिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो यहाँ पर ये बात आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि पाकिस्तान अंदर से पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और एक बारूद के ढेर पर बैठ गया है। बारूद के ढेर का मतलब यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि चिंगारी लगाने वाले यहाँ पर इनके अपने ही हैं। एक तो इनके अपने खुद के बलूच जिनके साथ इन्होंने शोषण किया, उनको मारा, और अब चाइना के द्वारा उनका शोषण करवाया जा रहा है। दूसरा तारीख तालिबान जो कि पूरी तरीके से पाकिस्तान को अंदर से तोड़ने पर लगी हुई है। तो ये अपने गृह युद्ध में ये गृह युद्ध आप समझ सकते हैं जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। और ऐसे में पाकिस्तान जो बड़ी बड़ी बातें करता है भारत के खिलाफ, उसको सबसे पहले अपने घर के अंदर झांक कर देखना चाहिए कि अपनी स्थिति को वो संभाले और फालतू के बयानबाजी भारत के खिलाफ ना करे। पहले अपने घर की स्थिति को सुधारे जो कि इस वक्त विकट से विकराल हो गई है। आपको क्या लगता है दोस्तों इस पूरे सिनेरियो के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मैं तो नए वीडियो के साथ ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।